नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहाड़ों से गिरने वाला पानी अब नहीं होगा वेस्ट। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश में बहुत जल्द नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन की होगी शुरुआत। बिहार में सर्वाधिक ठंडा स्थल बना यह जिला। 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बिहार में कोविड 19 के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 81 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 1, गया में 1, मुंगेर में 1, पटना में 4, शेखपुरा में 1, वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 147,370 सैंपल की जांच की गई। वहीं 7 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। देश में बहुत जल्द नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन की होगी शुरुआत। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से कोविड 19 से बचाव को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह तो दी ही, साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग करने की बात भी कही। वहीं इसी बीच उन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की अनुमति 3 जनवरी से दे दी थी। साथ ही उन्होंने देश में बहुत जल्द ही नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन शुरू करने की बात भी कही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोविड 19 के नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ही सरकार एहतियाती कदम उठा रही है और बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही है। बिहार में इतने हजार लोगों को डेयरी फार्मिंग सिखाएगी सरकार। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार जोर शोर से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब लगभग 4,000 पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग का हुनर सिखाने की बात कही है। पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुपालकों को डेयरी पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है, जिसकी व्यवस्था PPP के आधार पर तय की गई है। इस पर विभाग करीब 2.72 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। ऐसा पहली बार राज्य में होने जा रहा है जब डेयरी फार्मिंग को लेकर प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया हो। सबसे खास बात यह है कि प्रशिक्षणार्थियों के चयन में आरक्षण का प्रावधान भी दिया गया है। डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण पाकर पशुपालक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से कई किस्म के लाभ होंगे। बिहार में किसानों का दोस्त बनेगा ड्रोन। बिहार में आने वाले समय में किसान और ज्यादा हाईटेक होने वाले हैं, क्योंकि उनकी खेती में ड्रोन उनका सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कृषि कार्य को बेहतर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ट्रायल पटना जिला के पुनपुन में चल रहा है। आपको बता दें कि किसान जब अपने खेतों में फसल उगाता है तो अक्सर उसमें कीड़े लगने की शिकायत सामने आती है। ऐसा में पैदावार भी कमजोर हो जाता है, लेकिन अब ड्रोन के जरिए पहले यह चिन्हित किया जाएगा कि खेत में लगी फसल की उपज कहां कमजोर है और किस इलाके में कीड़ा लगा है, और इसके बाद उसी हिसाब से ड्रोन के जरिए खेत में खड़ी फसल का उपज बढ़ाने के लिए उस पर खाद का छिड़काव और कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में सर्वाधिक ठंडा स्थल बना यह जिला। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है, जिसके कारण गया और पटना सहित कई जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है। बीते दिन की बात करें तो 5.7 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सर्वाधिक ठंडा जिला रहा। कैमूर में भी ठंड की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसी बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में 27 दिसंबर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। ठंड के दौरान गया की वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। रविवार की सुबह में गया का AQI 32 दर्ज किया गया। अगले 3 से 4 दिन में मौसम के मिजाज में बदलाव के आसार है। सोमवार से तापमान में और ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। यश फिल्म्स लंदन में कर रही है 12 फिल्मों का निर्माण। भोजपुरी फिल्मों को बिग स्केल पर प्रस्तुत करने के लिए निर्माता अभय सिन्हा और उनकी कंपनी यश फिल्म्स जल्द ही लंदन में एक नहीं बल्कि 1 दर्जन फिल्मों का निर्माण करने वाली है। ये सभी फिल्में अगले साल रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे खास बात यह है कि अभय सिन्हा की इन फिल्मों में पावर स्टार पवन सिंह, प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी के साथ कई अन्य कलाकार होने वाले हैं। बीते साल की तरह नए साल में भी यश फिल्म्स लंदन की खूबसूरत लोकेशन में भोजपुरी माटी का सुगंध बिखेरने की तैयारी में है। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसको लेकर एक टेक्निकल टीम लंदन के लिए उड़ान भर चुकी है, जिसमें प्रमोद पांडे, यश फिल्म्स के CEO पंकज तिवारी समेत कई लोग शामिल हैं। 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। भारत में औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने कुछ शर्तों के साथ 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोविड 19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। ये जायजा जायडस कैडिला द्वारा तैयार बिना सुई वाले कोविड 19 रोधी टीका जायकोव डी 18 साल से कम उम्र के बच्चों किशोरों के बीच उपयोग के लिए नियामक की अनुमति प्राप्त करने वाला दूसरा
टीका बना है। हालांकि सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण पर फिलहाल कोई निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन 15 से 18 साल तक के युवाओं को टीकाकरण देने की बात जरूर कही गई है। कश्मीर में शहीद हुए शिवजी यादव का शरीर पहुंचा बिहार। कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सिवान जिले के जवान शिवजी यादव का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गांव लाया गया। 16 दिसंबर को उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में उन्हें चोट लगी थी। सेना के अस्पताल में इलाज के दौरान 24 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। रविवार की सुबह बीएसएफ के अधिकारी और जवान उनका शरीर लेकर हसनपुरा प्रखंड के तेलकथु गांव में पहुंचे। उनका शव जैसे गांव पहुंचा, शिवजी यादव के सम्मान में ग्रामीणों ने भारत माता की जयकारे लगाए, जिसके बाद आज ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिवान MH नगर थाना के तेलकथु निवासी रामाशीष यादव के पुत्र और बीएसएफ जवान शिवजी यादव के इलाज के दौरान जान चली गई थी। उनकी जान जाने की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया है। शराब से जुड़े 2.25 लाख से अधिक लंबित मामलों की जल्द होगी सुनवाई। बिहार में शराब से जुड़े 2.25 लाख से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द होने वाली है। बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी कानून लागू करने के बाद न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई के लिए शनिवार को विशेष कोर्ट का गठन कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी 74 कोर्ट में जजों की तैनाती भी कर दी। पटना में अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार को शराबबंदी के लिए विशेष कोर्ट का जज बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में शराब से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 1,80,000 के आसपास पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मामले जिला और अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में लंबित है। बिहार के चोर भी हो गए हैं हाईटेक। बिहार के चोर लुटेरों ने अपने काम का तरीका बदल लिया है, क्योंकि अब चोर एटीएम में कैश की चोरी नहीं करते हैं बल्कि एटीएम ही चुरा कर ले जाते हैं। पिछले कुछ महीने से लगभग आधा दर्जन ऐसी घटना हो चुकी है। एक दिन पहले ही पटना के में IDBI बैंक में एटीएम मशीन की चोरी की घटना हुई थी। ऐसी ही एक घटना मोतिहारी जिले में से सामने आई है। यहां चोरों ने SBI के एटीएम मशीन को ही चुराने की कोशिश की। हालांकि जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो मशीन के कैश काउंटर को चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोटवा थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास की यह घटना बताई जा रही है। यहां से SBI के एटीएम मशीन को ही चोर उठा करके ले गए। एटीएम चोरी की घटना शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई है। एटीएम चोरी की घटना देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महावीर मंदिर में अब इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए महावीर मंदिर पटना में बिना मास्क की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के अनुसार कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि मंदिर आने वाले भक्तों से अपील की गई है कि वो सामाजिक दूरी बनाकर मंदिर में दर्शन पूजन किया करें। मंदिर में एक बार से ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भक्तों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए। पहाड़ों से गिरने वाले पानी अब नहीं होगी वेस्ट। बिहार के गया जिले में पहाड़ से गिरने वाला पानी अब बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पानी को जमा कर खेतों की सिंचाई का काम किया जाएगा। साथ ही पहाड़ों पर भी हरियाली बढ़ेगी, मिट्टी रिचार्ज होगी वो अलग। इसके लिए लघु जल संसाधन विभाग 100 गार्डलैंड ट्रेंच बनाने जा रहा है। इसको देश भर में मशहूर कैमूर के मोखरी का गोविंद भोग चावल अभर पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होगा। बताया जा रहा है कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग को जल्द इसकी जानकारी दी जाएगी, साथ ही वहां से अनुमति लेकर काम शुरू हो जाएगा। हरभजन सिंह ने संन्यास के बाद कई बातों का किया खुलासा। हरभजन सिंह ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, जिसके बाद उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का बहुत मलाल है कि किसी ने भी कभी भी नहीं बताया कि उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि जब कोई 400 विकेट लेता है उसके बाद उसको खेलने का मौका नहीं मिले या उसको बताया ही ना जाए कि उसको बाहर क्यों किया गया है, तो बहुत बड़े सवाल मेरे जहन में थे। मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की, चयनकर्ताओं से लेकर मैंने हर किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्यों बाहर किया गया। 400 विकेट लेने वाला बंदा है चयनकर्ता के आगे जाकर तो ये नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों नहीं चुना जा रहा है, मुझे जवाब तो दो मुझे क्यों नहीं चुना जा रहा था। पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर को SSP SP ने जारी किया फरमान। बिहार में पंचायत चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसके बाद से ही जीतने वाले उम्मीदवारों के यहां पर जश्न का माहौल है। लेकिन इसी बीच कई ऐसे उम्मीदवार के यहां खुशी मातम में बदल गई है, क्योंकि जीतने वाले कई प्रतिनिधि की जान बीते कुछ दिनों में ले ली गई है, जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों पर हो रहे हमलों को लेकर पंचायती राज विभाग बेहद ही चिंतित नजर आ रही है। यही कारण है कि मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा था और अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गई है। पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिया है कि ऐसी किसी भी घटना की आशंका को रोका जाए। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय ने यह भी फरमान जारी किया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मौके पर तुरंत SSP या SP पहुंचे। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर घटना को लेकर पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी करने का निर्देश भी दिया गया है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है डेल्टा पासवान, मंतोष राजेश, संजय कुमार, कांति कुमारी, शंकर मुखिया, शंभु चौपाल, सरोज कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, राम सुंदर, नमिता कुमारी, अंकित कुमार, काजल कुमारी, दिलीप, RCM कमांडो एजुकेशन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण करने का फैसला COVID-19 के रोकथाम में मददगार साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।